बैक टू अनदर व्लॉग। तो अभी बज रहे हैं मात्र 10 और मैं सच धज के एकदम तैयार हूँ, क्योंकि आज हमारे कॉलोनी में एक प्रोग्राम आयोजित किया गया है। इस आयोजन में पर्यावरण के बड़े बड़े विद्वान आने वाले हैं, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के बहुत सारे प्रोफेसर आने वाले हैं और वाइस चांसलर्स भी आने वाले हैं, प्लस और भी कई लोग आने वाले हैं जो कि पर्यावरण के प्रति ज्ञान रखते हैं। ये आयोजन पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए किया गया है। इस आयोजन में मुझे सौभाग्य मिला है कि आज उनके स्वागत के लिए मैं एक स्वागत गीत गाऊं, तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, इसलिए मैं बहुत जल्दी तैयार हो गई। और अभी पापा थोड़ी देर में मुझे लेने के लिए आएंगे और फिर हम लोग चलेंगे वेन्यू पे। सब लोग पहुंच चुके हैं वेन्यू पे एंड यहाँ पे ऑलरेडी काफी सारे लोग आ चुके हैं। थोड़ी देर में जब गेस्ट आ जाएंगे तो मेरा प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा। उस फॉर्मूले को अपनाकर बस चंद कदमों में चंद प्रयास से अपने पर्यावरण को बढ़िया कर पाएंगे। देखिए अभी प्रवीण लोग स्पीच दे रहे हैं और बता रहे हैं कि हम लोग कैसे घर के कचरे को कैसे मैनेज कर सकते हैं, और काफी नॉलेजेबल ज्ञान दे रहे हैं प्रवीण अंकल। क्योंकि आने वाले समय में जब हम शिव तत्व चीफ गेस्ट का जो स्टेज है वो बहुत ही सुंदर है। यहाँ पे चार कुर्सियाँ लगाई गई हैं, सबका नाम लिखा हुआ है और यहाँ पे भी एक बहुत ही अच्छा सा पोस्टर लगा हुआ है। यहाँ गणपति जी की मूर्ति रखी हुई है, वहाँ मेरा हारमोनियम रखा हुआ है। क्रम में पधारे हुए हमारे मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथियों का स्वागत करता हूँ। वो आके एक बार अपने अपने स्थान ग्रहण करें। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इनका स्वागत कीजिए। अभी हमारे चीफ गेस्ट आ चुके हैं और वो अभी स्टेज पे जा रहे हैं और थोड़े ही देर में मेरा भी प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा। मेरा स्वागत है, तो आई एम वेरी एक्साइटेड। हमारे मुख्य अतिथि में प्रोफेसर गौतम घोष, गांधी अभियांत्रिकी और तकनीकी संस्थान गुन्नूपुर के जो कुलपति हैं वो हमारे बीच हैं। आप उनका तालियों से स्वागत कीजिए। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सुरेंद्र सिंह राणा जी से, वो आए और उनको भेंट प्रदान करें। तालियों की गड़गड़ाहट से इनका स्वागत कीजिए जो हमारे बीच इतनी दूर से पधारे हैं। तालियां रुकनी नहीं चाहिए, आप एक अच्छे प्रतिभागी के रूप में यहाँ पे आए हैं, तो तालियों का शोर जारी रखिए। अब मैं हमारे विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर सरिता नंदा जी का स्वागत करता हूँ, जो वर्तमान में दिल्ली विश्वविद्यालय के दौलतराम कॉलेज में वाइस प्रिंसिपल के पद पे कार्यरत हैं। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मैम। और गौरव जो कि पीएचडी स्कॉलर है दिल्ली विश्वविद्यालय में, उनसे अनुरोध करूंगा कि वो मैम को भेंट करते हुए उनका स्वागत करें। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम, आप हमारे इस कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम में पधारे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली विश्वविद्यालय पर्यावरण विज्ञान विभाग की तरफ से पीएचडी स्कॉलर अंकिता श्री प्रभात मोहन ठाकुर जी जो संस्था के प्रधान है, इनका स्वागत करते हुए। कार्य इन्होंने किए हैं और मैं निवेदन करता हूँ प्रवीण जी से कि इनको भेंट देकर स्वागत करें। यहाँ पे सभी मिलके दीप प्रज्वलित करें। लोगों से अनुरोध है कि वो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ हमारे अतिथियों को और आगंतुकों का स्वागत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो कस्बे में हम लोग रह रहे हैं दिल्ली, ये आज के 2022 के रिकॉर्ड बोल रहे हैं, ये मैं नहीं बोल रही हूँ। 2022 में सारे पृथ्वी के अंदर सारे ग्लोब में 13 शहर को सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर माना गया है। टॉप है कानपुर, उसके बाद पटना, उसके बाद दिल्ली, दिल्ली के बाद पटना, एंड उसके बाद आता है जो मॉस्को और चेर्नोबिल यूक्रेन में। आज समझ पाते हो कि हम लोग ग्लोबली टॉप है, अच्छी कारण नहीं, बहुत
कारण हम लोग हैं। नमस्कार, मैं बहुत आभारी हूँ शिलाश्री मैडम का और प्रोफेसर गौतम घोष और प्रवीण मिश्रा और ये सब ग्रुप जो हम लोग को इकट्ठा करके यहाँ पे इस कार्यक्रम के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं। और धन्यवाद करती हूँ आप सबका कि आप लोग इधर आए और इस कार्यक्रम में शामिल हुए। आपका किचन से जब कचरा, अगर हम अपना किचन तो साफ कर लिया, अब किचन का कचरा हमने उठा के बाहर फेंक दिया और वो वहाँ सड़ा बाहर, तो एक मीथेन गैस करके कहते हैं, गैस निकलती है जब कोई चीज सड़ती है, तो उसका जो लेवल है प्रदूषण का वो इतना बढ़ जाता है, मतलब एक कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो उससे भी चार गुना ज्यादा। प्रोफेसर घोष ने देश और विदेश में अग्रणी संस्थानों में अनुसंधान और विकास कार्यों में अहम भूमिका निभाई है। ये पिछले 28 वर्षों से अनुसंधान, नवाचार और प्रौद्योगिकी प्रबंधन में कार्य कर रहे हैं और कई प्रारंभिक चरण के नवाचारों और प्रौद्योगिकी की व्यवसायीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन्होंने डेंगू की वैक्सीन और कई सारे टीकों की खोज करने में अहम भूमिका निभाई है। सर, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, आप आके अपने दो शब्द कहें। धन्यवाद। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं बीच में हिंदी बोलूंगा, मेरे हिंदी मैडम के जैसे इतना क्लियर नहीं है, तो वेरी गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार ऑनरेबल विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर नंदा जी, प्रभात मोहन जी, प्रोफेसर विशेष घोष कन्वेनर है इस प्रोग्राम के आज के, एंड उनकी जो टीम है टीम है, एक तो इधर है और दूसरे आई कैन सी देयर, ऑल ऑफ यू, सॉरी आई कैन मिस ऑल ऑफ यू, एंड प्रवीण मिश्रा जी काफी सुने हैं, मेंबर्स ऑफ लक्ष्य एनजीओ सुरिंदर राणा जी। रिसर्च तो हम लोग सब करते हैं, यूनिवर्सिटी में हो, रिसर्च इंस्टीट्यूट में हो, काफी बड़े बड़े पेपर पब्लिश हो जाता है, वो हो जाता है, वो एक काइंड ऑफ ए प्रोसेस मुझे लगता है, इतने साल बाद मुझे भी लगता है ये जो हम लोग करते रहते हैं वो आम लोगों तक पहुंचते नहीं है और इसीलिए वो पेपर में बंदी रह जाता है, सरकार की पैसा अपने चले जाता है। आज कॉलोनी में बहुत ही शुभ दिन है कि हम नौकरी करने तो यहाँ आए थे, अपने पेट पालने के लिए यहाँ तक आए थे, लेकिन जिंदगी के बारे में कभी नहीं सोचा। उस बारे में सोचने का एक प्रेरणा देने हमारे बीच हमारे अतिथि लोग आए हैं और उनके शब्दों का, उनके ज्ञान का आज हम लाभ उठाएंगे, हमारे कॉलोनी का लोग लाभ उठाएंगे, यह बड़ी सौभाग्य की बात है। लक्ष्य एनजीओ के डायरेक्टर शशि शेखर जी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी सबकी स्पीच कभी खत्म हो चुकी है एंड अभी टाइम है रिफ्रेशमेंट का, तो यहीं साइड में एक बिल्डिंग है जहाँ पे कि सबको रिफ्रेशमेंट मिलने वाला है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं। कटलेट, बिस्किट और वहाँ वेफर्स भी हैं, तो ये सब चीजें रिफ्रेशमेंट के लिए हैं। मैं हूँ क्लास में जिसने धरती के ऊपर पूरी तरह से कब्जा जमा रखा है, यहाँ वहाँ इधर उधर सब मैं ही तो हूँ, प्लास्टिक ही प्लास्टिक। अपने घर के साथ साथ अपने बाहर भी स्वच्छता रखेंगे तो इसमें हम सबका फायदा है। टुडे आई एम हियर टू टेल दैट इंडिया वुड नेवर दैट इंडिया दैट ब्रिटिश। यहाँ पे काफी सारे बच्चे हैं जिनका कि अभी थोड़ी देर में स्लोगन राइटिंग और ड्राइंग का कंपटीशन है, तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे अपना अपना आर्ट बुक लेके आए हैं, कलर्स लेके आए हैं। आने वाले अपनों के लिए क्यों ना हम सहेज कर रख लें इस प्रकृति को, ये कटते वृक्ष, ये सूखती नदियाँ, ये सिमटते पर्वत एक रोज यूं ही खत्म हो जाएंगे। सभी लंच का टाइम हो चुका है,
लंच में थोड़ा डिफरेंट है, हम लोगों को कूपन दिया है, उसे देना है फिर खाना मिलेगा। यहाँ लंच का ट्रे, यहाँ पे काफी सारा सामान है। तो अभी लंच खत्म हो चुका है और अभी परवीन अंकल आएंगे एंड पर्यावरण के बारे में, वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में कुछ कुछ बताएंगे और कुछ डेमो भी दिखाएंगे। यहाँ पे कुछ डेमो का सामान दिख रहा है मुझे, तो वो सब अभी दिखाएंगे। उसके बाद फिर बच्चों को प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन होगा, फिर इस कार्यक्रम का समापन होगा। घर से निकलने वाले कचरे को सड़क पर जाने से रोकना और अपने घर में अर्बन बागवानी के द्वारा शहर के प्रदूषण को कम करना, यही लक्ष्य निर्धारित किया है। घर का जो कचरा है वो आपके लिए सोना है। एक इस तरह का बिन लेना है आपको, और इस बिन में आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ एक टैप लगाना है, नलकी होनी चाहिए, और इस बिन में ऊपर में यहाँ पर सुराख होनी चाहिए जिससे कि एरेशन हो सके। और इस बिन में खासियत ये होगी कि जहाँ भी आप इंस्टॉल करेंगे वहाँ सर्दियों में हल्की गुनगुनी धूप लगनी चाहिए, गर्मियों में सेमी शेड वाला एरिया होना चाहिए, डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखेंगे वरना इसके अंदर जो प्रोसेस है वो स्टार्ट नहीं होगा। इसके बाद इस बिन में सबसे नीचे हम डालते हैं कोकोपीट, नारियल का बुरादा। नारियल का बुरादा डालने का असर यह होता है कि जो भी आप ग्रीन कचरा जनरेट कर रहे हैं उसे यदि आप इसमें डालते हैं तो वहाँ से वाटर कंटेंट रिलीज होता है, पानी निकलता है, तो पानी को वहाँ पर एब्जॉर्ब करने के लिए और मॉइस्चर को मेंटेन करने के लिए जरूरी है कि यहाँ पर नारियल का बुरादा डाला जाए। और नारियल का बुरादा डालने के बाद सबसे पहले हम डालते हैं अपने घर का कचरा जो कि ग्रीन पीलाप होता है हमारा। घर से निकलने वाले कचरे में से जो सब्जियों के छिलके हैं वो अपने आप में उत्तम किस्म का हमारे पास ऑर्गेनिक मैटर में बदल जाता है, और जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे बनना भी आसान हो जाता है। धन्यवाद मिस्टर प्रवीण जी, आपने महत्वपूर्ण विचार लोगों के बीच प्रस्तुत किए जो कि अति सराहनीय और जो अति महत्वपूर्ण है। आशा है लोग इनके विचारों और दी गई शिक्षा पर अमल करेंगे। मैं लक्ष्य संस्था की तरफ से सबसे पहले शुक्रिया देना चाहूँगा वहाँ के ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को, मैम को, इन्होंने ये मौका दिया। ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा वेस्ट मटेरियल से बना हुआ है, यहाँ पे दिख भी रहा है ये कैडबरी का रैपर और बहुत सारे अलग अलग रैपर, ये भी ये टाइल्स है, जो टाइल्स नहीं बोलते इसको, लगता है ये जमीन पे, ये भी सब वेस्ट मटेरियल से बना हुआ है, बहुत सुंदर लग रहा है। ये जो थैला है पेट बॉटल से बना हुआ है, ये इसमें लिखा भी हुआ है आई वॉज वंस अ पेट बॉटल, और जो टी शर्ट भी पॉलिएस्टर का कपड़ा है, वंस आई वॉज अ पेट बॉटल। 3:12 अभी हो चुके हैं, अब शायद प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन का टाइम आया है। अपने बच्चों की मेहनत के लिए आप तालियां बजाइए प्लीज। इन्होंने लिखा है डोंट थ्रो अवे रिसाइकल इट फॉर अनदर डे, बहुत अच्छे, कल हमें प्लास्टिक के बीच में जीना पड़ेगा, बहुत अच्छा मैसेज है। वर्षा मिश्रा के लिए जोरदार तालियां। हमारे लक्ष्मण विहार के निवासी जन हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके धैर्य के लिए, आपके साथ के लिए कि आप सुबह से यहाँ तक टिके रहे। सो अभी 5 बज चुके हैं, ऑलमोस्ट 7 बाकी हैं, और अभी चल रहा है रिफ्रेशमेंट चाय और समोसे का, और काफी ज्यादा थक गए हम लोग, सुबह से आए हुए हैं 10 से लेकर 5 तक। तो आज का व्लॉग बस यहीं तक, अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे शेयर जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और कमेंट करके जरूर बताएं कि आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।